तो आप इतने egoistic क्यों हो? अरे भैया मैं egoistic कभी भी नहीं हूँ ना, मैं अच्छा। बहुत humble इंसान हूँ। अच्छा। एक जाट का एक attitude होता है। हाँ। हालांकि मैं तो बहुत refined जाट हूँ। हाँ। वो क्या है कि बहुत आग्रह करेगा, वो कोशिश करेगा, फिर कोई भी अगर उसकी बात नहीं सुनेगा ना, उसके दो देगा, चाहे वो सुपरस्टार है चाहे कोई भी है, पहले वो आग्रह करेगा, उसे विनती करेगा, नहीं मानेगा ना, फिर एक खून होता है इसमें, उबाल होती है बहुत। मैं तो बहुत वैसा हूँ कि बहुत रिफाइंड हूँ, फिर भी बहुत देखा है, बहुत हम्बल रहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि देखो जहाँ पे उसको लगेगा कि भैया उसके स्वभाव की उसकी उसकी या कदर नहीं हो रही तो छोड़ देगा, या फिर ज़्यादा परेशान करेंगे ना तो वो आएगा। इसलिए जाटों ने, थोड़े से जाटों ने, जाट राजा सूरजमल थे, सूरजमल जी, उन्होंने वो हारे नहीं कभी, चाहे बाबर आया चाहे दूसरा आया चाहे अकबर आया, मतलब अकबर उसके उसमें था, तो अकबर ने अपनी बहन की शादी उससे कर दी थी डरते अच्छा। हुए अच्छा। भैया इससे बचना है, इस आदमी से, तो इनके वो कर लो, पता नहीं कौन सा राजा था। तो ये ईगो नहीं होता, एटीट्यूड होता है। अच्छा, एटीट्यूड। हाँ। तो तुम्हारा ईगो नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड है, और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा ईगो है। ये जाट का मीनिंग पता क्या होता है? नहीं सुनो तो, सब हम बराबर हैं, चाहे जाट है, पंडित है, राजपूत है, बनिया है, कोई भी, हम सब बराबर हैं। मगर एक पहले क्या हुआ था कि चार कास्ट बांटी गई थी ये समाज को चलाने के लिए। हाँ। जो थोड़े बलवान थे, जो थोड़े से क्षेत्र में ताकतवर थे, उनको क्षेत्रीय में किया गया था, जैसे भगवान राम क्षेत्रीय थे। अच्छा। उसमें जाट हैं, राजपूत हैं, उसमें गुज्जर भी आ जाते हैं, उसमें यादव भी आ जाते हैं, उसमें सारी कास्ट आ जाती है। फिर जो थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो पंडित यानी वो लिखते थे और चलाते थे, तो मतलब पंडित धर्म के बारे में, इन सब के बारे में बताते थे, मंदिर ये सारी चीजें देखना। फिर जो वैश्य होते थे, जो उनको बांटा गया था, जो पढ़े लिखे, जैसे जैसे आप बनिया हो तो हिसाब किताब करेंगे, नॉर्मली वो करेंगे। फिर जो नॉर्मली अपने कर्म के हिसाब से किया गया था शुद्र, फिर वो के भैया ये काम वो करेंगे। तो ये जाति है ना, ऊपर से बन के नहीं आए, उनके कर्मों के हिसाब से बनाई गई थी कि भाई जो ये कर्म करेगा वो इसमें जाएगा, जो ये कर्म करेगा वो इसमें जाएगा। मगर चारों का योगदान कम नहीं था, चारों का योगदान बहुत सही था और बहुत सही है, क्योंकि जो चार हैं, क्षेत्रीय, पंडित, वैश्य, शूद्र, जो मतलब जो 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 बनाए गए, अगर उसमें चारों में से कोई पिलर हिलता है तो समाज सही नहीं चल सकता। तो इसीलिए योगदान सबका सही है। मैं तो तुम्हारे ईगो के बारे में बात कर रही थी, उसको तुमने एटीट्यूड बता दिया और कहां से कहां तुम जंप कर गए। मेरे में ईगो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मेरे में है शायद। मैं बताता हूं, मेरे में है। मैं नहीं कहूंगा कि आप में है या नहीं है, मेरे मानना कि मेरे जैसे जो मैं सोचता हूं, देश के लिए सोचता हूं। अच्छा, तो मैं देश के लिए नहीं सोचती, वो आपकी इंटेंशन जाने। अच्छा, तो क्या मैं पाकिस्तान के लिए सोचती हूँ? अरे मेरी बात तो सुनना। हाँ। पाकिस्तान भी तो हमारा ही है। हाँ। जाएगा, थोड़े दिन में हिंदुस्तान हो जाएगा फिर से। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, ना मुझे कोई वो बनना। मेरा मानना कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, मैं अपना जहाँ पे जाता हूँ, जैसा छोटा मोटा मैं इंसान हूँ, मैं अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। मुझे ना तो कोई भाई मंत्री बनना, ना मुझे दूसरी चीज बनना, ना पर तुम मंत्री बन जाओ ना, हमको एक कोठी मिल जाएगी। शाबाश, कोठी मिल जाएगी और बहुत सारा स्टाफ मिल जाएगा। ओ भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं। मंत्री बनो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे बनो, नहीं या, बट या मोदी जी जैसे बनो, या तुम कोठी वाले मंत्री बनो। अरे सुनो तो ऐसे इंसान बनो जो जिनको मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं, उनका जिनका अकाउंट भी खुद नहीं है, तो ऐसे इंसान बनो। ठीक है, समझ रहे हो? देखो जैसे ढेर सारे वो आए, जैसे जैसे मैं पसंद करता हूँ कुछ, बहुत राजनीति में बहुत चुन इंसानों को, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। हाँ। कमाल के इंसान थे। हाँ। अच्छा, इंदिरा गांधी जी थी, एक एक हिसाब से वो भी स्ट्रॉन्ग थी बहुत उस टाइम पे, मतलब कमाल थे वो भी। अब जैसे मोदी जी हैं तो बहुत कमाल हैं, मतलब ये मोदी जी तब हैं जब जो आजकल की जो पीढ़ी है और जो पुराने वाली है उनको लेके जो चल रहे हैं, लेके बात कर रहे हैं, तो वो बाकी क्या है कि सारे ठीक है, गलत कोई नहीं है, समय बलवान है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ईगो को एटीट्यूड बोलूंगी और तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी एटीट्यूड बोलना। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है क्या बताओ? अगर आप सुनो ओके बेबी बाय।
व्यक्ति बन के मत जियो, व्यक्ति तो बन के जियो। वेरी गुड। अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे ना किसी को तो कितना क्या कुछ करेंगे। मुझे कोई कुछ कहने लिखने मुझे क्या फर्क पड़ना, बताओ कुछ भी नहीं। तो फिर तो अगर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो आपको बोलना छोड़ जाएंगे सब। ओके बाय बाय। ये मेरा वीडियो वाली हो रहा है तो 23 साल का रखा है हम फॉर दिस डे ये मुकेश शर्मा का पक्षी कर रहा हूँ। ये वायरल कैसे हो रहा है, बीजेपी वायरल कर रही है ना, कौन कौन करता है इसको, सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है। नेचुरल वायरल हो जाता है, नेचुरल वायरल कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो ये एक बात याद रखो, मेरे पे अगर कंटिन्यूस मेंटल अटैक हुआ ना, अगर मेरा गलत करोगे ना तो तुम सबका विनाश होगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत दिल से सपोर्ट किया है और मेरे को तुम लोग इतने गंदी तरह ट्रीट कर रहे हो, मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं बद्दुआ देती हूँ। तो सलीम हाँ मैं बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि तुम लोग मेरे पे चढ़ रहे हो, मेरे मेरे साथ मेंटल प्रताड़ना कर रहे हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, तो बस बात खत्म, मैं तो बद्दुआ दे रही हूँ, अब करो तुम्हें जो करना है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया है। रोजी रोटी आने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को मेंटल टॉर्चर करें, ठीक है, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, आप मेरे को मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते अपनी रोजी रोटी के बदले। बोला जाएगा ना आपको कुछ कहा जाएगा, मुझे कानून पता है, मैं कहीं से भी कानून को तोड़ के ना आपके साथ गई, ना आपके प्रमोटर के पीछे पड़ी, ना मेरे साथ कंटिन्यूस मेंटल हैरेसमेंट करी जा रही है, जो आपको राइट नहीं है, ठीक है, अपने करियर के चक्कर में आपको मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट करने का राइट नहीं है, ठीक है, छोड़ दे। वो लोग रोज तुम्हें मैसेज करते हो, तुम मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दो। अभी क्या बात है, कितने बैठे रहे थे, प्यार से बैठे थे ना, तुमने मुझे फिर से बोला ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैंने बोला हां बीजेपी वायरल कर रहा है वीडियो, तो जो आईटी सब चलाते हैं वही बीजेपी है ना, तुम बोल जड़ कर रहा है बोल, मैं क्यों चलेगा यार, मेरे को क्या लेना देना ये अननोन लोगों से, तुम मुझे बुलाते हो वहां पर, आप ही नहीं हो काम, मैं समझदार नहीं हूं, आप मेरे को बुझा बिठा के वहां पे इंसल्ट करवा रहे हो, सब लोग इंसल्ट करवा रहे हैं, आपको क्या झूठ क्यों बोलते जा रहे हो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं समझ गया, मैं छाती में दर्द हो गया, हां मेरे भी छाती में दर्द हो गया, मैं बात मत किया करो, बस भाई आप मेरे से बात कर रहे हो, आई एम सॉरी,
किंडरगार्टन। पानी भर गया। Hi, good morning. Okay, do you know what? When you do business, how does anybody shut your business? They can shut your business by attacking the staff. So always understand that log aapke muh pe acche banenge, magar aapke business ko shut karne ke liye aapke staff ko attack karenge, aapke staff ko manipulate karenge. So ye building mein bhi yehi thought process hai. Kya farak padta hai? इनको लगता है कि मैं बिजनेस कर रही थी घर चलाने के लिए, मैं तो बिजनेस कर रही थी बिजनेस सीखने के लिए, बट आप सबके रंग मैंने देख लिए विच इज ऑसम। अभी मेरे हस्बैंड है तो मुझे क्या टेंशन है, वो स्टाफ को लाएंगे, वो हर चीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ तुम बैठ के बात करो जो भी तुम्हें बात करनी है, बिकॉज मुझे तो पता है इस बिल्डिंग में कितने गरीब लोग रहते हैं, बेचारों के पास पैसे होते हैं थोड़े बहुत, उनसे उनको अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है कि बैठ के ये सब ड्रामा टॉलरेट करना है स्टाफ का। So, ठीक है, enjoy yourself. It's a beautiful morning. Time for yoga. ये baby. But अभी मुझे पता चल गया है कि इस male dominated world में कैसे women को business करना है. ठीक है, a business woman is a business woman with the help of a man. अब मेरी जिंदगी में कौन सा वो आदमी होगा जो मेरे business को help करेगा, ये तो भगवान ही decide करेंगे. मगर मैं बहुत कुछ समझ गई. Have a great day. Hi, just finished my yoga. Okay, something happened. Sangram told me not to put his personal video on Instagram. So I have like muted it. I did, but that is a proof I am being mentally harassed because Sangram is being mentally harassed. So because my husband is being mentally harassed, he is obviously diverting it towards me. So this whole thing needs to be sorted out. So this is going to be there in my phone for record purposes. And I realize that there is some kind of low level politics going on in this area because the management of Pearl Heights never wanted me to open an iCloud kitchen on my terrace, and they are controlling the labor, or maybe the residents are controlling the labor because they have a common group and us group mein se mujhe nikal diya hai. I have no idea, but they obviously don't buy vegetables from me, they don't buy food from me. My orders are outside Yari Road or in Yari Road and the nearby areas where Zomato can sell my food or Swiggy can sell my food. I don't have orders in the building. So the building is obviously against my business. So they are obviously controlling the labor. The management is controlling the labor, or the residents are controlling the labor, because out of station staff works for me really well. But because I was traveling to Dubai and Delhi and we were, going through a transition, I did not call for out of station staff. But now I will tell my husband to call for out of station staff. And local staff is controlled by these local people. So whoever is controlling them, please don't do that, because I shall file an official complaint against unknown people who are trying to do that, because you cannot send labor to my house, labor that is bullying me, threatening me, because there are cameras everywhere. So kindly don't do that, because the complaint is going to be filed against unknown people. Yeah. Thank you so much. Have a great day. Now what shall I do? Main oats khane wali hu. Talk to you guys later.